हेलो माय फ्रेंड फ्रेंड, आज की फिल्म न्यू वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 32 बिट एंड 64 बिट में जो कंप्यूटर की विंडो होती है उसमें फ़र्क क्या होता है और उसमें डिफरेंस आपस में मतलब क्या है। तो आज की इस फिल्म वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कह दूँ कि जो 32 बिट की विंडो है वो अगर आपके प्रोसेसर पर मतलब कि डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर जो विंडो सपोर्ट करेगा वो विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। ये नहीं कि देखिए आपका प्रोसेसर 64 बिट है तो आप उसमें 32 बिट की करेंगे विंडो तो वो हो जाएगी। अभी नहीं, अभी मैं बताता हूँ। आपका प्रोसेसर है 32 बिट का, आप उसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो कोई भी 64 बिट की कर लेते हैं, तो 32 बिट में हमेशा 64 बिट की नहीं विंडो होगी। हाँ, 64 बिट में 32 बिट की विंडो ज़रूर हो। सो जस्ट वेट। तो मैं कह रहा था कि जो 32 बिट होता है उसके अंदर आप 64 बिट की विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट जो 64 बिट होता है उसमें आप 32 बिट की भी और 64 बिट की भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने देखना है कि 32 बिट और 64 बिट की विंडो को कैसे इंस्टॉल करें, तो आप लोगों ने तो सबसे पहले एक काम करना है कि अपना कंप्यूटर ओपन करें। ओपन करने के बाद वो साइट पर राइट क्लिक करें और दिस पीसी में जाएं। और दिस पीसी में जाने के बाद वहाँ पर ना आपको शो हो जाएगा वो सिस्टम बेस्ड प्रोसेसर। अगर आपके 64 बिट होगा तो आप 64 बिट की विंडो इंस्टॉल करें, अगर आपके 32 बिट होगा और 32 बिट की करें, क्योंकि डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि आपके सिस्टम प्रोसेसर कौन सी विंडो को सपोर्ट कर पाता है। अगर आप उसमें दूसरी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा और वो आगे नहीं जाने देंगे। तो मेरा कहना हो तो आप लोग लें 64 बिट का, क्योंकि जो 32 बिट होता है वो इतनी चीज़ें नहीं चला पाता और ना इतने सॉफ्टवेयर उसमें होते हैं। और अगर आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो आपको 64 बिट में अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर मैं इकट्ठे मैनेज कर लेगा और चला भी लेगा। मगर 32 बिट इतने सॉफ्टवेयर नहीं करता, कुछ सपोर्ट करता है कुछ नहीं करता। और 32 बिट सिर्फ 32 बिट के सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, लेकिन जो 64 बिट है अगर आपने वो विंडो इंस्टॉल किया और अगर आप उसमें 32 बिट का भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो भी डाउनलोड करेगा। सो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक मिलूंगा आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।